नमस्कार मित्रों, स्कूली बच्चों के एमडीएम की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं कक्षा के लिए बढ़ाई गई राशि अब 9.6% राशि को बढ़ा करके स्कूलों को मुहैया कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये खबर निकल के आ रही है, सरकारी विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं को दोपहर का भोजन कराने की राशि में वृद्धि कर दी गई है। चावल को छोड़कर अन्य सामग्रियों की खरीदारी के मद में अब 9.6% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि बढ़े हुए दर का भुगतान 1 अक्टूबर से ही होगा। अब पहली से पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन सामग्री मद में प्रति छात्र 5.45 रुपये दिया जाएगा। वहीं छठी से आठवीं कक्षा के प्रत्येक बच्चों के भोजन सामग्री मद में 8.17 रुपये खर्च किए जा सकेंगे। इस राशि से 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार अपने स्तर से वहन करती है। आपको बता दें कि अब तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भोजन सामग्री मद में 4.97 रुपये तथा मिडिल स्कूल के बच्चों पर 7.45 रुपये खर्च करने का प्रावधान था। सरकारी स्तर से स्कूलों में चावल की आपूर्ति की जाती है। हाल के वर्षों में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, ऐसे में गैस सिलेंडर, हरी सब्जी, तेल मसाला, दाल आदि सामग्रियों के कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। बढ़ी महंगाई को देखते हुए संभवतः मिड डे मील में परिवर्तन राशि बढ़ाई गई है। बता दें कि बच्चों को प्रत्येक दिन अलग अलग मेनू के अनुसार स्कूलों में भोजन दिया जाता है। राज्य सरकार स्वयं के खर्च से सभी छात्र छात्राओं को प्रत्येक शुक्रवार को फल एवं अंडा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करती है। प्रति छात्र 5 रुपये खर्च करती है। तो आपको बता दें कि इसमें अंडे या फल मुहैया कराया जाता है। हालांकि इस वृद्धि पर हेडमास्टर ने अपनी खुशी इजहार नहीं की है, वे अभी भी इस वृद्धि से नाखुश हैं। कई हेडमास्टरों ने कहा कि महंगाई के देखते हुए कम से कम 30% वृद्धि की जानी चाहिए थी राशि में। प्रधानाध्यापकों ने यह भी कहा कि 5 रुपये में फल या अंडा उपलब्ध नहीं हो पाता है, फल या अंडा के लिए भी राशि बढ़ाए जाने की जरूरत है। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।